दोस्तों पथरी या किडनी स्टोन की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के समय में, और ये आपके परिवार में या आपके किसी न किसी परिचित को आपको अक्सर आपने सुना होगा कि उनको किडनी में या किडनी के जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है लाइक किडनी, यूरेटर या ब्लैडर के अंदर उनको पथरी बन जाती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे कि अगर आपको यूरेटर में पथरी बन गई है तो यूरेटर में पथरी बन गई है तो उसमें एक मेडिसिन आती है जो कि इसकी एक स्पेसिफिक की तरह काम करती है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप जब कभी भी आपको लगता है कि आपके पेट में दर्द है आपके, और जब आप सोनोग्राफी कराते हैं और सोनोग्राफी कराने पर अल्ट्रासाउंड कराने पर आपको पता चलता है कि आपको यूरेटर में स्टोन बन गया है, तो उस यूरेटर में स्टोन को निकालने के लिए ये जो हाइड्रेंजिया होती है स्पेसिफिक की तरह काम कर रही है, उसकी एक मुख्य दवा है, खास दवा है हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। दोस्तों इसके वीडियो में बताएंगे कि आपको ऐसे कौन कौन से सिम्टम मिलेंगे अगर आपको यूरेटर में पथरी बन गई है तो, और ऐसे जो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर है, मदर टिंचर को आपको किस तरह से काम में लेना है अगर आपके यूरेटर में स्टोन बन जाता है तो, ताकि वो आसानी से निकल सके आपको बिना किसी तकलीफ के। दोस्तों यूरेटर में जो स्टोन है तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको यूरिनरी जो सिस्टम होता है उसके बारे में। दोस्तों आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो गुर्दे होते हैं, दोनों एक लेफ्ट में और एक राइट में स्थित होता है। जो गुर्दे होते हैं ये जो किडनी होती है इनका काम होता है आपके ब्लड को छानना एक तरह से, और उसके अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में से और जो मिनरल्स होते हैं एक्स्ट्रा उनको आपको शरीर में से बाहर निकालना होता है। और इसके लिए ये जो गुर्दे होते हैं गुर्दे में से जो ये जो बाहर निकालने का काम करता है, यह गुर्दे में से एक एक नली निकलती है जिसको बोलते हैं यूरेटर। यह जो नली नुमा स्ट्रक्चर होता है यह यूरेटर आपके गुर्दे में से जो भी यूरिन आपका जो ब्लड में से छाने के बाद जो यूरिन बनता है यह हर गुर्दे से उसकी यूरेटर के द्वारा आगे जाकर आपके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ब्लैडर में खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इस यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है और यूरिथ्रा द्वारा आपके शरीर में से जो भी अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकालता है यूरिन के रूप में। दोस्तों यह तो हो गया आपका यूरिनरी सिस्टम। अब जब कभी भी आप देखते हैं कि आपका जो कभी आपको गुर्दे में स्टोन बन जाता है, कभी आपके ब्लैडर में बन जाता है, और कभी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब ये गुर्दे के अंदर जो स्टोन बनता है यह निकल कर आपके यूरेटर में आ जाता है, और यूरेटर में आकर कभी कभी ये अटक जाता है, वहाँ पर आपको फंस जाता है, उसकी वजह से आपको काफ़ी तेज दर्द होता है। दोस्तों जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है कि आपके जो यूरेटर होता है यूरेटर के अंदर स्टोन बन जाता है, तो उसकी वजह से जो यूरिन होती है एक तरह से ये समझे कि आपके उसमें यूरिन के जो रास्ता होता है उस रास्ते में रुकावट आ जाती है, और यह जो होता है यह कंडीशन थोड़ी सी सीवियर हो सकती है अगर आपके उसके अंदर स्टोन का साइज अगर काफ़ी बड़ा होता है तो। उस कंडीशन में आपके गुर्दे के अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है जिसको कि बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, और यह अगर कंडीशन अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो उस कंडीशन आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके यूरेटर में अगर स्टोन बन गया है तो उस कंडीशन में आपको लापरवाही नहीं करनी होती, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करना होता है ताकि समय रहते आपको उपचार शुरू किया जा सके और आपके जो यूरेटर में स्टोन बन गया उसको आसानी से निकाला जाए। दोस्तों इस जो कंडीशन बन गई है उस कंडीशन के लिए ही ये जो दवा होती है जिसका कि नाम है हाइड्रेंजिया एक स्पेसिफिक की तरह काम करती है। दोस्तों अब अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको हाइड्रेंजिया लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे या काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, तो इसमें आपको यूरेटर के अंदर जब कभी भी स्टोन बन जाएगा उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपकी जो कमर का जो बीच वाला जो हिस्सा होता है यानी बीच वाले जो हिस्से में होता है आपको इसमें आपको दर्द रहेगा, जो दर्द या लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक साइड में हो सकता है जिस तरफ भी आपको स्टोन होगा, और यह जो दर्द होता है यह दर्द मान लीजिए लेफ्ट यूरेटर में स्टोन है तो लेफ्ट वाले हिस्से में पीछे की तरफ आपको कमर में दर्द होगा, और पीछे से होता है वो दर्द होता है वो आगे की तरफ आता है पेट के निचले हिस्से में। अगर ऐसी कंडीशन में आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपको किडनी स्टोन बन गया हो। अगर आपको इसमें अगर आप सोनोग्राफी कराने में पाते हैं कि आपके यूरेटर में स्टोन है तो उसमें उस कंडीशन में आपको हाइड्रेंजिया लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके यूरेटर में स्टोन बन जाता है तो उसमें आपको पेट के निचले हिस्से में भी काफ़ी तेज दर्द रहता है। इसके साथ साथ आपको अगर यूरिन करेंगे तो यूरिन करते समय आपको जलन हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा जब कभी भी आपके यूरेटर में स्टोन बनता है तो आपको यूरिन की बार बार डिजायर होती है, बार बार आपको ऐसा लगेगा आपको यूरिन जाना है, लेकिन जब आप यूरिन करने के लिए जाते हैं तो यूरिन का जो फ्लो होना चाहिए या जो यूरिन की मात्रा होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं आती है, आपको बार बार डिजायर होगी लेकिन इतना यूरिन नहीं निकलेगा आपको। आप जैसे यूरिन करके आके वापस आप बैठेंगे फिर से आपको लगेगा आपको वापस से यूरिन आ रहा है। इस तरह के जो सिम्टम होंगे वो अगर मिलते हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि कहीं आपके यूरेटर में स्टोन तो नहीं बन रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ जब कभी भी आपको इस तरह का जो पेन होता है पेट के निचले हिस्से में या कमर के पीछे साइड में आपको लेफ्ट या राइट में, तो ऐसी कंडीशन में अगर यूरेटर में स्टोन बन रहा है तो आपको यूरिन करते समय आपको यूरिन के साथ में आपको ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में आपको खून भी आ सकता है। यह सारे सिम्टम अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कहीं आपके यूरेटर में स्टोन तो नहीं बन रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको जो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर अगर आप वो लेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
दोस्तों यह तो बात होगी कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको आपको अगर यूरेटर स्टोन बन गया तो आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको हाइड्रेंजिया मदर टिंचर अगर आप ले रहे हैं तो आपको इसको किस तरह से लेना होता है आपको कि आपको उसके अच्छे बेहतर परिणाम मिले। दोस्तों जो हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर होता है उसको लेने का बड़ा ही आसान तरीका होता है, आप एक खाली कप लें, खाली कप के अंदर आप क्या करें एक 10 बूंद उसकी हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर की आप डालें, उसके बाद में उसको आधा कप गुनगुना पानी डालें और उसको अच्छे से धीरे धीरे आप उसको हिलाएं। उसको हिलाने के बाद में आप उसको सिप बाय सिप धीरे धीरे आपको पीना होता है। जिस तरह से आप सुबह पी रहे हैं उसी तरह से आपको दोपहर में पिए, उसी तरह से आपको शाम को पिए, यानी दिन में 3 बार 10 बूंद आपको आधे कप गुनगुने पानी में डालकर अगर आप पीते हैं तो आप अपने जो यूरेटर में स्टोन होता है उसको उससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जब कभी भी यूरेटर में स्टोन हो जाता है उसके साथ में और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पेन हो सकता है या आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है या उसके यूरेटर के साथ साथ और भी कहीं दूसरे कोई सिम्टम तो नहीं मिल रहे हैं, यानी आपके कहीं गुर्दे में पथरी तो नहीं बन रही है या आपके आपके ब्लैडर में पथरी तो नहीं है, वो सारे सिम्टम को देखते हुए लेफ्ट कौन लेफ्ट में है या राइट में है उसके हिसाब से और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपको हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर के साथ देते हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जल्दी आपको अपनी जो समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो भी मेडिसिन बताते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जो भी मेडिसिन बताई जाती है आपके नॉलेज पर्पज के लिए सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है दोस्तों, अगर आपको आपके यूरेटर में अगर स्टोन बन जाता है तो कि आप उसको किस तरह से पहचानेंगे और उसके लिए आपको जो स्पेसिफिक दवा हाइड्रेंजिया आपको उसको किस तरह से काम में लेना होता है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल